नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम हापुड़ के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर में हैं। आइए जायजा लेते हैं गांव का। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये योजना जुलाई 2016 में आई थी। इस योजना का उद्देश्य है किसान भाइयों की जो फसल है उसको बीमित करना। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ के विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर ए के मिश्रा जी। हम उनसे जानते हैं ये योजना है क्या। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जुलाई 2016 से के खरीफ मौसम से ये फसल बीमा शुरू हुआ था। और ये प्रधानमंत्री अब तक पीछे जो फसल बीमा योजनाएं चल रही थी, बहुत कई एक फसल बीमा योजनाएं चल रही थी, इसमें अलग अलग दर से, अलग ज़िले के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, फसल के हिसाब से अलग अलग बीमा की दर हुआ करती थी, जिससे किसानों को इसमें सही एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। और उस भ्रम को ख़त्म करते हुए इस नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसमें एक ही दर पूरे देश के अंदर रखी गई है और उसमें जो फसलें, सभी फसलों को उसमें शामिल किया गया है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें जैसे ओलावृष्टि है, बारिश आ जाना है, असामयिक समय पर बारिश हो जानी है, थंडर आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है, या बवंडर आ जाते हैं, या आकाशीय बिजली गिर जाती है, या जल भराव होने की वजह से हमारे किसान जो है फसलों को की बुआई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे किसानों को नुकसान होता है, उस जोखिम को के नुकसान की भरपाई करने के लिए फसलों का एक बीमा किया जाता है, जिससे उनकी क्षतिपूर्ति उस बीमा के की फसल बीमा के माध्यम से उनकी पूर्ति हो जाती है। इसमें मेन जो उद्देश्य हमारा किसान सरकार का, भारत सरकार का, ये मेन उद्देश्य इसमें है। सर, अगर इसमें जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? जी, इसमें जो हमारी फसलें हैं, इसमें उनमें दो ग्रुप बांटे गए हैं। एक हमारी खरीफ फसल की मौसम की फसलें और दूसरी रबी फसलों की समय की फसलें। खरीफ फसलों में जो भी हमारी फसलें बोई जाती हैं प्रदेश के अंदर या ज़िले के अंदर, उन सभी फसलों को इसमें, जैसे मुख्य रूप से धान है, आपका मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूँग है, तो ये हमारे खरीफ मौसम में ज़्यादातर सामान्यतः हमारे किसान भाई फसलों को लगाते हैं, तो ये खरीफ मौसम की फसलें हैं। और इसमें प्रीमियम की जो दर रखी है सरकार द्वारा, वो 2% रखी गई है। इसके बाद में रबी फसल के मौसम की फसलें हैं, जिसमें हमारा गेहूं है, आपका गेहूं है, जो है सरसों है, आपका मटर है, मशहूर है, चना है, ये हमारे सभी जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। और इसमें जो प्रीमियम की दर रखी गई है वो 1.5% के हिसाब से उससे प्रीमियम लिया जाएगा। हम बात करें इस गांव की, तो यहाँ के जो किसान हैं कौन सी जो फसल है वो लेते हैं? वो देखिए, यहाँ पे जो हमारा हापुड़ जनपद का, या ये जिस गाँव में हम लोग हैं, यहाँ पर सामान्यतः धान और गेहूँ और गन्ना और सरसों, ये का फसल चक्र चलता है। साथ साथ में हमारी यहाँ के किसान सब्जी भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है वो मुख्य फसल के रूप में ली मानी जाती है। इसके साथ में गेहूं रहता है, मक्का भी करते हैं, सरसों भी कुछ किसान करते हैं, इसी तरह से मटर की भी फसल की मटर भी करते हैं और आलू भी करते हैं। तो ये जो सभी फसलें हैं हमारी, इस बीमा जो हमारा बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, इनमें लगभग ये सारी फसलें इसके अंदर कवर होती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसलिए लाई, जैसा कि शर्मा जी, मिश्रा जी ने बताया था, कि सारे देश में पहले अलग अलग किस्तें थी, अलग अलग प्रीमियम थी, अलग अलग फसलों की, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसी थी, लेकिन ये इंटीग्रेटेड करके सारे देश में एक जैसी पॉलिसी बनाई। खरीफ फसलों के लिए 2% इसका रखा गया प्रीमियम, और रबी के लिए 1.5%, और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए रखा गया 5%, जिसमें बागवानी, फूलों की, हॉर्टिकल्चर, ये सारा कुछ आता। इस योजना के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे काफ़ी हैं, चूँकि फसल में अगर ओलावृष्टि हो जाए या कोई तूफान आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, ऐसे समय बरसात हो जाए, तो उसमें नुकसान होता है काफ़ी। पहले ही पड़े ओले पड़े थे और थंडर आया था, गेहूं की फसल में नुकसान हुआ था, तो उसमें पटवारी ने सर्वे किया, किसी को मिला, किसी को नहीं, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 4000, इस तरह से मिला। कोई मतलब एक यूनिक पॉलिसी नहीं, तो इस यूनिक पॉलिसी से फ़ायदा, बशर्ते कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो। धन्यवाद।
हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा की जानकारी रखते हैं और फ़ायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो जैसे पहले इसमें कई तरह के बीमे होते थे, कई तरह के प्रीमियम होते थे, अलग राज्यों में अलग तरह का अलग अलग मैटर था, इस सब को मिला के एक प्रधानमंत्री बीमा योजना चालू कर दिया फसल का कि सब जगह वो एक ही पॉलिसी लागू होगी। ये जानकारी है मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव मोहम्मदपुर आजमपुर के चौपाल चर्चा में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू करी है, और इसमें जो है रवि और खरीफ की जो फसल के लिए है अलग अलग प्रीमियम कटता 2% और 1.5%, जो अदर फसल हैं उनके लिए 5% कटता। ये जो किसान भाइयों का KCC होता है, किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं जिसे, उसी से काट लिया जाता, और जो जिनके पास KCC नहीं है उन्हें भी अलग से यदि वो कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड से और या फर्द जो हमारी जो ज़मीन होती है उसके थ्रू हम करा सकते हैं इसे। और जी इसके अलावा यदि कोई दूसरा ऑप्शन एक और है प्रधानमंत्री के पोर्टल पर, वहाँ भी इसका योजना का लाभ ले सकें। क्या आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, पिछली बार हमने लाभ लिया इसका, रबी की फसल में हमारा नुकसान हुआ गेहूँ का, तब हमें इसका मिला लाभ। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं। हमने जो है हमारे जो है ओलावृष्टि हुई एक बार जो है गांव में, जब हमें जो है इसका लाभ मिला है। आप खुश हैं? हाँ जी, हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योजना है, इससे जो है सब किसान भाई लाभ लें। किसान भाई ने कहा है कि इस योजना से जुड़ें और सभी किसान भाई इससे लाभ लें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने सवाल करना है, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम KCC निकालते हैं तो KCC निकाल देते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती हैं कि उसका ऋण क्या लग रहा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है, कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि तहसील से निकाल रहा है, कोई भी पटवारी या वैसा नहीं आता है, कोई भी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। अभी पीछे 2 साल पहले गेहूं बर्बाद हो गया था, बारिश पड़ गई थी, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। नहीं तो ऐसा कोई गांव का या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आदमी आना चाहिए कि पूरे गांव को इन्फॉर्मेशन मिले कि ये पॉलिसी आ रही है तो इसका ये बेनिफिट आप उठा सकते हो, लेकिन किसी को नहीं पता है। मैं छोटा किसान हूँ और छोटी मोटी खेती करता हूँ अभी, तो अभी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि स्टडी कर रहा हूँ मैं अभी भी, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा जागरूकता फैलनी चाहिए। किसान भाई ने जो सवाल किया है, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए इनका एक प्रश्न में कई एक इनकी शंकाएं हैं और इनका
जिज्ञासाएँ भी हैं, सही है। नए हमारे किसान हैं, युवा किसान हैं, इनकी जागरूकता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बिल्कुल इनकी बात सही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, ये बैंक में आपको बनता है, और इसमें आपके जो कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं उसमें आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जिसमें आधार ले सकते हैं या वोटर आईडी ले सकते हैं, और आप अपने किसान जो आपकी बही है ये आपके जो मूल पत्र लेके जाएंगे, और आप अपनी बैंक की पासबुक वगैरह लेकर के जा करके उसमें कहेंगे कि हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बना दीजिए। जैसे ही आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा वैसे ही आपका उसमें ये कहा जाएगा कि आप कौन कौन सी फसलें उसमें लेते हैं, तो आपको ये लिख करके देना होगा कि हम साहब इसमें ये फसलें लेते हैं, और उसी के हिसाब से आपका किसान क्रेडिट जो फसलें हैं उनका आपका बीमा ऑटोमेटिकली, आप कहें ना कहें, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है वैसे ही आपका बीमा हो जाता है। अब होता क्या है, जो अक्सर करके किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि किसान जब ये किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो उस समय तो कह देता है कि साहब मैं धान गेहूं गन्ना ले रहा हूं, या मैं आलू लूंगा, या उसमें खरीफ में मैं उड़द लूंगा, लेकिन जब उसकी बात आती है तो वो बात को उसको ध्यान नहीं रहता, और उसमें पता लगा उसने लिखवा तो दिया, हमने कहा कि हम उसमें धान लेंगे, और जब बोने का टाइम आता तो उस खेत में पता लगा उसने वो दी उसके अंदर उड़द, तो होता क्या कि प्रीमियम तो कट गया ऑटोमेटिकली उसका, लेकिन वो कटा किसके लिए है, धान के लिए कटा है, और जब मौके पे जाके पता करता है, वो शिकायत करके कहता है साहब मेरा उड़द की फसल वो बर्बाद हो गई है, तो यहाँ ये सबसे बड़ा दिक्कत किसान के बीच में और बैंकों के बीच में आती है। तो इसलिए ये जागरूक जरूरी है कि किसान अगर अपनी फसल को बदलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी लिखित में सूचना बैंक को तत्काल देनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये किसान भाई को जागरूक होना जरूरी है, अगर वो किसी भी फसल का जब वो बीमा कराता है तो पहले तो ये जान ले कौन सी फसल है उसका। आप अगर गेहूं का करा रहे हैं तो गेहूं लिखवाइए, अगर किसी आप सब्जी का करा रहे हैं तो सब्जी लिखवाइए। तो कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से आपको उसको वहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कराना पड़ेगा, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी मेरा नाम अमित कुमार है, मैंने KCC कार्ड बनवाया है, मैं इस योजना का लाभ कैसे ले सकता हूँ? किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ इससे लाभ लेना चाहते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है तो निश्चित है कि इनका जो फसलें इन्होंने बताई हैं अपनी जो भी उसके अंदर, उन फसलों को बीमित किया हुआ होगा और उसी के हिसाब से इनका प्रीमियम भी बैंक ने काटा होगा। अब इन इसी स्थिति में जैसे अब इस समय हमारा गेहूं की फसल हमारे खेतों में खड़ी हुई है या किसान भाई बुआई करने जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में अगर कहीं भी कोई दैवीय आपदा आती है, दैवीय आपदा से मतलब है ओलावृष्टि हो जाना या आकाशीय बिजली गिर जाना, भूकंप आ जाना, बवंडर आ जाना या जल भराव हो जाना, उन सभी रिस्कों को इसके अंदर कवर किया गया है। उस स्थिति में उसको एक गांव को ही इकाई मान करके उसमें उनका प्रीमियम जो फसलें बीमित हैं उनके जोखिम के हिसाब से उनको उसका प्रीमियम उसका फसल का बीमा के हिसाब से उनको भुगतान उसको कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरी किसान भाइयों से ये भी एक गुजारिश है, अनुरोध है कि जहाँ पे अगर इस तरह की कोई दैवीय आपदा आती है, दैवीय प्रकोप होता है, तो उसकी तत्काल आपको बैंक में, या आपको ये पता है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के माध्यम से हमारा बीमा किया जा रहा है, उस बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत लिखित में सूचना देना चाहिए कि साहब मेरे खेत में ये फसल बोई थी मेरी और इस फसल में ये आकाशीय बिजली गिर गई है या इतना जल भराव हो गया, इसकी वजह से इसमें ये हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पर मैं एक और किसान भाइयों को बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी किसान समझते हैं कि साहब फसल बोने का ही के टाइम पर खड़ी फसल में ही है, अगर आपकी फसल कट गई है और आपके खेत में ही पड़ी हुई है और उस स्थिति में कोई भी दैवीय आपदा आती है तो उस समय भी आपको बीमा कंपनी द्वारा भुगतान आपको किया जाएगा, ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर हमारे किसान भाइयों को। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, जो सवाल करना चाहते हैं कृपया करके अपना हाथ उठा लें। जी, मैं फसलों के साथ साथ बाग की भी खेती करता हूँ और उसमें ये पूछना चाहता हूँ, जो जैसे कि फसल बीमा योजना में मैं जो मेरा प्रीमियम कट गया, उसके बाद मौसम और कीट दोनों ही इसमें मतलब इंक्लूडिंग रहते हैं, और उसके वजह से जो नुकसान हो गया आम की फसल में, बोर निकलती दफ़े फंगस और कीड़े की वजह से, क्या उसमें कंपनी देगी हमें क्लेम? किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वो कह रहे हैं कि अगर मौसम और कीट से अगर उनकी फसल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या उन्हें इस योजना के तहत क्लेम मिलेगा? आइए जानते हैं। देखिए, इनका बहुत ही सही प्रश्न है कि अगर हमारा आम का बाग है और आम के बाग में बोर आ रहा है, फूल आ रहा है, और उस समय कोई दैवीय आपदा आती है, जैसे कि अगर बोर आ रहा है, बोर आने के समय पर कभी कभी ओला भी पड़ जाता है या बारिश हो जाती है, उसकी वजह से उनका बोर पूरा झड़ जाता है, तो उस स्थिति में उनका अगर बीमा करवाया रखा हुआ है तो उसमें वो रिस्क उनका कवर होगा। यहाँ पे एक चीज़ दूसरी ये भी है कि यदि आपने उसमें बीमा कराया हुआ और किसी कीड़े की वजह से या किसी बीमारी की वजह से आपकी फसल को क्षतिग्रस्त होती है, तो उस समय भी उसका आकलन करने के बाद में उसमें आपको बीमा की धरना है, उसको आपका जोखिम जो है वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन जो हमारी व्यवसाय जो फल वाली फसलें, मैंने पहले भी बताया था कि उसमें 5% की दर से आपका प्रीमियम लिया जाएगा और ये सारे रिस्क उसके अंदर कवर होते हैं। मेरे पास बाग की खेती है, 2-3-4 साल से पिछले से चल रहा है। एक तो फ्लावरिंग के टाइम पे बादल होते हैं तो नुकसान होता है, बरसात होती है नुकसान होता है, कीट पतंग ज़्यादा आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसमें परेशानी आती है, उसमें जो नुकसान होता है क्या उसकी भरपाई होगी? किसान भाई ने सवाल किया है कि जो भी उनको प्राकृतिक जो आपदाएँ आ रही हैं उनसे उनको समस्या आ रही है तो किस तरीके से वो उससे निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, फसल बीमा करा रखा है, तो उसमें वो रिस्क सारे कवर होते हैं, और मैंने कहा था कीड़ों की वजह से या बीमारी की वजह से आपकी फसल क्षतिग्रस्त होती है तो वो भी उसके अंदर रिस्क कवर होता है, बशर्ते आपका आकलन किया जाएगा और आकलन के हिसाब से देखा जाएगा कि उसमें आपकी फसल पर कितना कि 80% नुकसान है या 50% नुकसान है या 60% नुकसान है या 100% नुकसान है, उसी के हिसाब से आपको उसकी भरपाई की जाएगी जोखिम की, ये इसके अंदर है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से, अभी ये बागवानी के ऊपर बता रहे थे, यही है कि ये जो बीमा होता है किस वैल्यू के आधार पे होता है? जो ये 5% व्यावसायिक जो फसल पे होता है तो 5% की वैल्यू क्या रखी जाती है कि 5,000 मतलब हम किस वैल्यू पे देंगे? कहने का मतलब आपका ये है जो फसल का जो बीमा कर रहे हैं आम की, वो हाँ जो आम की फसल का बीमा कर रहे हैं तो वो किस आकलन किस हिसाब से करते हैं? किस आकलन पे होगा 5%? किस आकलन पे होगा 5%? किसान भाई ने सवाल किया है कि वो जो बीमा करते हैं, जो जैसे उनकी बागवानी की फसल है आम की, वो कहते हैं कि अगर वो किस जैसे 5% कर रहे हैं तो किस आकलन के तहत वो कर रहे हैं कि वो 5% ही दे रहे हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
देखिए ये प्रश्न इसका बीमा फसल बीमा योजना का जो है एक आधार प्रश्न है। ये जिले के अंदर एक कोर कमेटी होती है जिसमें कोर कमेटी में उप कृषि निदेशक होते हैं, आपका जिला आपका उद्यान अधिकारी होता है, लीड बैंक मैनेजर होता है, नाबार्ड का DDM नाबार्ड का एक अधिकारी होता है, कृषि विशेषज्ञ होते हैं। ये एक कमेटी जिले के अंदर जो मुख्य फसलें हैं जो कोमर जो बहुतात में जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उन फसलों का आकलन एक रेट डिसाइड करते हैं कि इस पर कितना लागत आ रही है, धान का, गन्ने का, गेहूं का, जो आपका आलू का या आपकी बागवानी फसलों का उद्यान वाले करेंगे, और उनको आकलन करके जैसे कि आपका एक आकलन कर लिया उन्होंने वही पूरे साल उनका आकलन मतलब वो एक आधार उसका आधार हो जाता है, और उसी आधार पे के कह करके एक मोटे तौर पे जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे गेहूं की फसल है इस समय, तो गेहूं की फसल पे लगभग आपका 40-35 से लेकर के 40 या 45 हज़ार रुपये के करीबन प्रति हेक्टेयर खर्चा आ रहा है, तो उसके हेक्टेयर के हिसाब से उस पर उन्होंने वो एक उसका आधार मान लिया, उसी के हिसाब से इस पर उन्होंने इसका प्रीमियम वो डिसाइड किया जाता है। और फिर इसी के हिसाब से उद्यान वाली फसलें होती हैं, तो उद्यान वाली फसलें अगर कर रहे हैं या फूल वाली फसलें कर रहे हैं तो उनका भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक और कमेटी डिसाइड करती है, वो आपके जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में फिर वो अप्रूव किए जाते हैं, और वो अप्रूव होने के बाद में पूरे साल तक उनको ही मान्य माना जाता है और वही एक आधार होता है प्रीमियम लेने का। ये एक जनपद के अंदर जो इनका प्रश्न था कि साहब प्रीमियम कैसे निर्धारित करते हैं, वो उसी के आधार पर उसका प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम क्या हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से फसल का आकलन किया जाता है। तो कहने का मतलब जो अगर सभी किसान भाई एकजुट होकर अगर योजनाओं की जानकारी लेंगे, योजनाओं से जुड़ेंगे, तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।